जेमस्टोन काम क्यों नहीं करता है, व्हाई जेमस्टोन्स डू नॉट वर्क। लोग कहते हैं कि मैंने इतने सारे जेमस्टोन्स पहन रखे हैं, काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, इतने महंगे मैंने रत्न खरीद लिए हैं लेकिन काम नहीं करता है, क्यों काम नहीं करता है? यदि जानना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक, एस्ट्रोलॉजर, रुद्राक्ष और जेमस्टोन्स के सलाहकार। जेमस्टोन काम नहीं करता है, प्रथम कारण बताता हूं आपको मैं। पहला कारण यह है कि आपने ऐसा स्टोन पहन लिया है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने पहन रखा है एक पन्ना और उनका बुध ग्रह उच्च का है, एग्जाल्टेड है, ऑलरेडी पावरफुल है, और पहन के क्या उम्मीद कर रहे हैं? हर एक चीज की काम करने की सीमा होती है एनर्जी लेवल की। ऑलरेडी पीक पे है, उसको यदि और एक स्टोन पहन लेंगे तो कहां तक जाएगा, वो स्कोप ही नहीं है जाने का। तो ऑलरेडी एग्जाल्टेड है तो आप पहनेंगे तो अवश्य ही इसका कोई रिजल्ट आपको दिखाई पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप ऐसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है। क्योंकि हर एक एनर्जी होती है उसकी काम करने की क्षमता, करने की कैपेसिटी होती है। से मानिए कि आपका एक फोन है जिसको आप चार्ज करते हैं, आप चार्ज 100% ऑलरेडी है, उसको फिर आप चार्ज करने की कोशिश करते हैं, चार्ज होगा क्या बताइए? आप चार्ज होने वाला नहीं, 100% ऑलरेडी चार्ज्ड है। जितना ये चार्ज करते रहेंगे बोलेंगे चार्ज नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये गलतफहमी हो जाती है। तो ये हो गया प्रथम कारण। दूसरा कारण होता है काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपने राशि के हिसाब से पहन लिया है, या किसने कुछ बता दिया, दुकानदार ने बता दिया आपने पहन लिया, आपने गूगल करके देख लिया पहन लिया, आपको जरूरत ही नहीं थी स्टोन पहनने की, आपने पहन लिया, तो कैसे उम्मीद करते हैं काम करने वाला है? हो सकता है कि वो शत्रु घर में बैठा हुआ हो, नेगेटिव हो आपके लिए, वो आपने उसको पहन लिया, नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। शनि आपके चार्ट में अच्छा नहीं है, आपने पहन लिया तो शनि की पावर को बढ़ा देगा, नेगेटिव हुए। सूर्य अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा नहीं है, आपने माणिक पहन लिया, आपने मूंगा पहन लिया, तो जो जो नेगेटिविटी थी उस शक्ति की, वो नेगेटिविटी बढ़ गया जीवन में, और भूचाल आ गया जीवन में, और समस्या की वृद्धि हो गई, और आप समझते हैं कि जेमस्टोन पहनने काम नहीं करता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जो रत्न पहने हुए हैं गलत जगह पहन लिए हैं। चश्मा पहनने का स्थान यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, इसको यहाँ ही पहनना चाहिए मुझे। ब्लूटूथ लगाते हैं तो कान में लगाना चाहिए आपको, उसको यहाँ चोटी में नहीं बांधेंगे आप। जिसका जहां स्थान है वहां पहनेंगे तो काम करेगा। यदि आपके लिए ये उंगली होती है कि बृहस्पति के लिए स्टोन पुखराज पहनने की, इसको यदि इस उंगली में पहन लेंगे काम नहीं करेगा। यह सूर्य की उंगली है, ये आपका वायु तत्व है, ये आपके पृथ्वी तत्व है, तत्वों में भी आप गड़बड़ करेंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं करेगा काम। तो उल्टा सीधा पहनेंगे तो काम नहीं करेगा। चौथा कारण, कुछ लोग खेलते रहते हैं अंगूठी से, कभी इसमें पहन लेंगे, कभी उसमें पहन लेंगे, कभी दाएं हाथ का उठा के बाएं हाथ में पहन लेंगे, बाएं का दाएं में पहन लेंगे, ऐसे करते रहते हैं। आप बाएं हाथ में पहन लेंगे, यदि आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो एनर्जी का ह्रास होगा, ह्रास की कमी होगी। आपने तो एनर्जी बढ़ाने के लिए पहना हुआ था लेकिन हाथ में खुजली हो रहा था, या कुछ मन किया आपने ऐसे ही मजाक में उसको लेफ्ट हैंड में पहन लिया, एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। आप समझते हैं कि जेमस्टोन काम नहीं कर रहा है। अभी तक हमने चार कारण समझ लिए, पांचवा कारण क्या हो सकता है, फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है? फिफ्थ रीजन ये हो सकता है कि आपके चल रहे हैं शुक्र की महादशा और आपने एक गोमेद पहन लिया राहु के लिए। अब क्या करने वाला है, राहु इज लॉर्ड ऑफ हीट और शुक्र आपका है आइस। ही मकुंड मुनाराभम दत्तराम परमम गुरुम, ये मंत्र आता है। ही मकुंड मतलब ही आता है हिमपुत्री पार्वती, स्नो आइस बर्फ की बातें हो रही है। बर्फ को आप इंफ्रारेड, जो राहु को मैं कहता हूं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेड कलर के बीच में, माइक्रोवेव के अंदर में बर्फ को टुकड़ा डाल दिया, क्या होने वाला है, पिघलने वाला है। तो शुक्र की महादशा आपने पहन लिया राहु का, चलिए शनि की महादशा आपने पहन लिया रूबी, माणिक्य पहन लिया सूर्य के लिए, कॉन्ट्रा फोर्स है दोनों। तो समय किसका चल रहा है, आप स्टोर किसका पहन रहे हैं, इसलिए कभी कभी स्टोन को पहनना पड़ता है, कभी स्टोन को उतारना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है कि महादशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। ये चीजें पहनने से ट्रैक करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अभी बार पहन लिया तो पहने रहेंगे। रुद्राक्ष नहीं है कि एक बार पहन लिया तो पहने रहो जिंदगी भर। रुद्राक्ष अडेप्टेबल है, अपने आप अडेप्ट करता रहेगा आपके समय के साथ में,
आपकी जरूरत के साथ में नेगेटिव कन्वर्ट करता रहेगा पॉजिटिव में। जेम्सटोन ऐसे करता नहीं है, जेम्सटोन तो ब्लाइंड बूस्टर्स है। तो समय के हिसाब से नहीं जानते हुए अपने यदि जेम्सटोन पहन लिया कैसे काम करेगा। ये हो गए पांच कारण आपके। छठा कारण, सिक्स्थ रीजन, क्या है सिक्स्थ रीजन काम नहीं करता है? आपको बोला गया कि ब्लू सफेद नीलम पहन लीजिए, आपने बाजार में गए खरीद लिए एक स्टोन बैंकॉक से, थाईलैंड से, जो कि लेबोरेटरी ने बनाया गया है, लेबोरेटरी ब्रोंज स्टोन हीट किया गया है 4500 डिग्री हीट किया गया है। हीट गर्मी जो पैदा करके बनाया जाता है स्टोन को, हीट का मतलब है सूर्य, सन, सूर्य का तत्व इसमें आ गया। सूर्य का तत्व आते ही नीलम खराब हो गया, क्योंकि शनि और सूर्य जो है कॉन्ट्राफोर्स हैं। जैसे ही आप कोई नीलम पहनेंगे जो कि हीट करके बनाया गया है, या नेचुरल स्टोन भी है उसको चमक लाने के लिए उसको हीट कर दिया गया है, तो ये नीलम आपके लिए घातक सिद्ध होता है, फायदे की जगह नुकसान करेगा आपको। आप कहते हैं नुकसान हो रहा है, आप कहते हैं जब से जेम्सटोन पहना एक्सीडेंट हो गया, जब से जेम्सटोन पहना मेरी परेशानी बढ़ गई। बढ़ेगा क्योंकि आपने गलत स्टोन पहन लिया है। सेवेंथ रीजन, सेवेंथ रीजन क्या है? आपने ये सोचा कि जितना बड़ा से बड़ा स्टोन पहन लूंगा उतना बड़ा का बड़ा रिजल्ट आने वाला है। बात ये ऐसे हो गई कि आपको जरूरत है कि भाई एक चम्मच घी डेली खाओ। आपने सोचा कि एक चम्मच क्यों खाया जाए, इसको हम जो है आधा किलो पी लेते हैं आज। आपने आधा लीटर पी लिया घी, क्या होने वाला है? लूज मोशन, ग्रीड से बचे। आपने कहानी सुनी होगी मुर्गे की, कहानी सोने की अंडे देने वाले मुर्गे की कहानी। उसने क्या सोचा, डेली एक एक अंडा देती है सोने की मुर्गी को, एक काट डालता हूं पूरा सोना निकाल लूंगा मैं। लोभ। आप ये समझते हैं कि बहुत बड़ा स्टोन पहनने से कुछ मैजिक हो जाएगा, नहीं होता ऐसे। पैसे की बर्बादी आप समझते हैं काम नहीं, क्योंकि आपकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। आपने कहा कि मैंने 10 लाख का मैंने खरीद पहन लिया है, ये मैजिक होना चाहिए, मैजिक नहीं होता ऐसे। और के कारण हो सकते हैं कारण, और एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोग सब्स्टिट्यूट पहन लेते हैं। माने आपको बताया गया है कि आप पुखराज पहनिए, आप पहन लेंगे व्हाइट टोपाज। कहा गया मोती पहनिए, आप पहन लेंगे मूनस्टोन। मूनस्टोन का केमिकल कंपोजिशन और कुछ है, मोती का पल का और कुछ अलग है, टोपाज का अलग है, येलो सफर का अलग है। इसमें जो केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो अलग अलग ढंग से हमारे शरीर में, मन में काम करते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट पहनेंगे तो वो फल आपको नहीं मिलने वाला जो आपको मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। और एक कारण ये होता है कि आपने जो स्टोन पहना हुआ है ये नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है, लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो लेबोरेटरी ग्रोन जो होते हैं उसमें मिनरल्स हो सकते हैं लेकिन रेडिएट नहीं करते हैं, रेडिएट नहीं करेंगे तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो उसको मैं नकली स्टोन तो नहीं बोलूंगा, आर्टिफिशियल स्टोन, आर्टिफिशियल मेड, मैन मेड, लेबोरेटरी ग्रोन, ये मैं कह सकता हूं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो रत्नों की बात की जाती है, ये सभी रत्न जो हैं धरती के अंदर से पाए गए होंगे, एक्सेप्ट मोती और प्रवाल के, कोरल के, जो कि पानी में पाए जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि पुराने जमाने में ना तो कोई लेबोरेटरी थी, ना कोई फैक्ट्री होती थी, ना इसको आर्टिफिशियली बनाने का कोई तरीका होता था। स्टोन को भी बनाता नहीं था, धातुएं बनती थी, रिंग बनता था, लेकिन स्टोन को कोई बनाता था क्या? पहले स्टोन बनते नहीं थे, नहीं तो अभी बनने लगे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में जिन रत्नों की बात की जाती है ये सभी धरती के अंदर से पाए हुए या जल से प्राप्त किए गए होते हैं, जो कि नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, बनाए गए नहीं होते, इसलिए वो काम नहीं करता है। चलते चलते कुछ भ्रांतियों के बारे में हल्के से बात कर लेता हूँ। ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जेम्सटोन इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये खंडित हो गया है। मेरा इसमें वीडियो है, आप देखिएगा। खंडित होने से जेम्सटोन काम करना बंद नहीं करता है। कुछ कहते हैं एक्सपायर हो गया, जेम्सटोन को भी एक्सपायर होता नहीं है, धरती में पृथ्वी में कुछ एक्सपायर होता नहीं है। कुछ कहते हैं कि इसके अंदर जाले हैं, कुछ दिखाई पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस जो नेचुरल इन्फ्लुएंस होते हैं स्पेशली एमराल्ड में तो पक्का होते हैं, काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, ये सब नेचुरल इन्फ्लुएंस है, ये स्वाभाविक है। या कुछ लाइन दिखाई पड़ना, कुछ चीजें दिखाई पड़ना, इसको ये मान लेना कि अशुभ हो गया, गलत हो गया, ये सब धारणा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से काम नहीं करता है कि एक्सपायर हो गया हो, खंडित हो गया हो, उसके अंदर जाली है, अशुभ हो गया है, ये सब बातें जो हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये गुमराह करने की बातें हैं। इसको मैं मानता भी नहीं हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आग्रह करता हूँ आपसे कि इन चीज़ों के आप चक्कर में ना पड़ें, आज जेम्सटोन को पहनिए, ये काम करता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अगले वीडियो में और कुछ नया टॉपिक लेके बात करेंगे हम। आप यदि कुछ चाहते हैं कि मैं नया टॉपिक पे बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी विदा लेता हूं आप सब में, वही कमांडर संतोष शर्मा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।